चीन बुरी तरह से घिरने वाला है, उसकी बुरी तरह से लगने वाली है। अमेरिका ने ठान लिया है कि चीन की बैंड बजानी है, शुरुआत हो चुकी है। इस लड़ाई में अमेरिका ने भारत, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ ले लिया है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने आर्थिक और कूटनीति अपनाई है। चीन की संप्रभुता पर चोट करने के लिए उसने हांगकांग, उइगर मुसलमान और तिब्बत के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। इस लड़ाई में भारत का रोल महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चीन के साथ भारत के रिश्ते कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। हमेशा स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण वाली हालत रही है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत से अपनी नजदीकियां आज से नहीं बल्कि 1.5 दशक पहले से शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि UPA-1 की सरकार में अमेरिका ने भारत के साथ सन 2005 में परमाणु समझौता किया था। उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं में हिंद महासागर में युद्धाभ्यासों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। इन युद्धाभ्यासों में ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी जोड़ा गया। साथ ही अमेरिका ने भारत को वो महत्वपूर्ण हथियार निर्यात करने का फैसला किया जो अक्सर वो किसी राष्ट्र के साथ आसानी से नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि भारत कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है, वह भारत को विश्व के सबसे समृद्धशाली देशों के समूह G7 में शामिल करना चाहता है। समूह की बैठक बीती मार्च में होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब जून में होने वाली प्रस्तावित थी लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भी टाल दिया है। अब यह बैठक सितंबर में होना प्रस्तावित है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वे इसमें भारत समेत कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं। यह समूह अब G10 या G11 कहलाएगा। अन्य देश जिसमें शामिल करने का प्रस्ताव है वे हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। रूस को डोनाल्ड ट्रंप G7 में शामिल करने के लिए बीते कई सालों से प्रयासरत हैं। यूक्रेन के एक हिस्से पर 2014 में कब्जा करने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस को G8 के समूह से निकाल दिया था, इसलिए यह समूह G7 बन गया था। रूस गाहे बगाहे कई मुद्दों पर चीन का समर्थन करता आया है। अमेरिका चाहता है कि वह रूस को अपने साथ ले ले। ऐसा होता है तो यह चीन के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, क्योंकि इस समूह में चीन शामिल नहीं है। उसकी हालत खराब होने वाली है। रूस के अलावा उसका कूटनीतिक दुश्मन देश यानी भारत दुनिया के समृद्धशाली देशों के समूह में शामिल हो और वो बाहर बैठा देखता रहे, उसे नागवार गुजरेगा। उसकी हालत खराब होने वाली है और ज्यादा खराब होने वाली है। चीन में इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के लिए स्थितियां और ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। दूसरा हमला अमरीका चीन पर हांगकांग को लेकर करेगा। हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने के लिए चीन लगातार एक के बाद एक कानून लेकर आ रहा है। हाल ही में चीन की कांग्रेस ने जो कानून पारित किया है उसके विरोध में अमेरिका ने हांगकांग को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था, उसे समाप्त कर दिया है। हांगकांग को ब्रिटेन ने सन 1997 में चीन को दिया था। चीन और ब्रिटेन के बीच 1947 में करार हुआ था, संधि हुई थी कि ब्रिटेन 50 साल बाद यानी 1997 में इसे शर्तों के साथ चीन के अधिकार क्षेत्र में सौंप देगा, लेकिन यह एक स्वायत्त क्षेत्र रहेगा। चीन इसी प्रशासनिक स्वायत्तता को बीते 22 साल में धीरे धीरे कई कानून लाकर खत्म कर रहा था, लेकिन कोरोना ने उसका सब खेल बिगाड़ दिया है। हांगकांग को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अमेरिका हांगकांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे में ब्रिटेन व अन्य देशों के साथ बात करेगा। बंद कमरे का मतलब होता है अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत। चीन ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर गया था, लेकिन बंद कमरे की इस बातचीत में शामिल तकरीबन सभी देशों ने चीन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को भारत से कोई दिक्कत है तो वह आपस में निपटे, यहां क्यों। चीन पर अमेरिका तीसरी मुसीबत उइगर मुसलमानों को लेकर आने वाला है। हमारे जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर चीन का जिंगजियांग प्रांत है, इसी में उइगर मुसलमान रहते हैं। इनका तुर्की के मुसलमानों के साथ संबंध रहा है, वे यहाँ करीब 2000 साल से रह रहे हैं।
1949 में चीन जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया तो उसे अपने कब्जे में ले लिया और 1955 में जिनजियांग उइगर प्रांत उसका नाम रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1949 में उइगर मुसलमानों की आबादी क्षेत्र में 95% से अधिक थी, जो अब घटकर 45% रह गई है। सन 2003 में की गई जनगणना के मुताबिक उइगर में 90 लाख उइगर मुस्लिम थे, लेकिन जानकार मानते हैं यह कहीं ज्यादा है, इसे कम करके दिखाया गया है। जैसा कि बीते कई महीनों से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहां 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को चीनी सरकार ने कैंपों में रखा हुआ है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। इस क्षेत्र में खुले में टोपी पहनने और दाढ़ी रखने की मनाही है। कई मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। इन मुद्दों पर अमेरिका कांग्रेस ने चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि वे इसे जल्द ही पारित कर देंगे। जाहिर है, इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद चीन इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताएगा, तो अमेरिका मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देगा। चीन पर अमेरिका चौथा कूटनीतिक हमला तिब्बत को लेकर करेगा। अमेरिकी कांग्रेस में इस तरह का एक बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र नहीं बल्कि एक देश घोषित किया जाए। चीन ने 1955 में तिब्बत पर कब्जा कर उसे चीन के अधीन स्वायत्त शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। अमेरिका का प्लान है कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अमेरिका दूतावास खोलकर उसे राष्ट्र की संज्ञा घोषित करे, साथ ही चीन पर जवाबदेही सुनिश्चित करें कि 1995 से गायब पंचम लामा को लेकर सामने आए। पंचम लामा मौजूदा दलाई लामा का उत्तराधिकारी है, जिसे अपहृत करने का आरोप चीनी सरकार पर है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसको जिस तरह से चीन ने छिपाया, इसे लेकर चीन की दुनिया भर में किरकिरी हो चुकी है। ट्रंप इसे चीनी वायरस तक बता चुके हैं। ट्रंप चीन को लेकर बुरी तरह भन्नाए हुए हैं। एक ट्वीट में तो उन्होंने सिर्फ चीन लिखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश के 1 लाख से ज्यादा नागरिक चीन की गलती की वजह से मारे गए हों, वो चीन जैसे देश को कैसे देखता होगा। साथ ही WHO की भी इस मामले में भूमिका संदेह के घेरे में आ चुकी है। उस पर चीन का साथ देने के आरोप लग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को लेकर चीन की तनातनी सबके सामने आ ही गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जब चीन पर कोरोना की उत्पत्ति को लेकर सवाल किया तो चीन ने विरोध स्वरूप ऑस्ट्रेलिया से जौ और मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों का अगला कदम क्या होगा। दूसरा, जापान अपनी कंपनियों को चीन से निकलने के लिए विशेष पैकेज दे रहा है। जापान और चीन की दुश्मनी पुरानी है। साथ ही अब ब्रिटेन ने चीन की कंपनी हुआई से निजात पाने के लिए उसने भारत समेत 10 प्रमुख देशों से अपना खुद का 5G उपकरण व नेटवर्क तैयार करने के लिए सहयोग मांगा है। तो इस तरह चीन को घेरने की तैयारी हो चुकी है। ताइवान को वह पहले ही हमले की धमकी दे चुका है। दरअसल चीन के साथ दिक्कत यह है कि वह आज भी मध्ययुगीन कालीन सोच को अपनाए हुए है कि ताकत के दम पर दूसरे देशों पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन 21वीं सदी में अब यह संभव नहीं है। बीते 40 साल में उसने अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना लिया, वो भी विकासशील देश के ठप्पे के साथ, लेकिन कोरोना ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया है। इस कूटनीतिक रणनीति पर हमारी नजर लगातार बने हुए है। हम आपको समय समय पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाएं ताकि नई वीडियो डालते समय आपको सूचना मिलती जाए। नमस्कार।